नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, सिंपल कफ एंड कोल्ड। आपको अगर साधारण खांसी और सर्दी है तो आपके लिए बेस्ट कम्बिनेशन लेके आए हैं, जिसका आप उपयोग करेंगे और आप पूरी तरह से इससे ठीक हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सामान्यतः खांसी हमें ठंडे पानी को पीने से हो जाता है या तो मौसम के चेंज होने से हो जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपके लिए बेहतरीन कम्बिनेशन लेके आए हैं। दोस्तों, खांसी से खांसते खांसते आपके गले दर्द होने लगते हैं, आपका पूरा फेफड़ा दर्द करता है, आपके पूरे बदन में दर्द होने लगता है, कभी कभार खांसते खांसते आपको बुखार भी हो जाता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल न घबराएं। आपके नाक से पानी भी टपकने लगता है, आपका गला जाम हो जाता है, आपको हल्का फुल्का कफ भी बन जाता है, तो यह सामान्यतः हो ही जाता है। आप इस पे बिल्कुल भी न घबराएं। आपको मैं बेस्ट होम्योपैथिक कम्बिनेशन लेके आया हूँ, जिसका आप उपयोग करेंगे और आप बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन हम आपके लिए तैयार किए हैं, इसका आप पूरा पूरा लाभ लें। रस्टाक्स 200, इस दवा को दिन में 4 बार जीभ पे 4-4 बूंद लेना है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगला एक बेस्ट कम्बिनेशन है, इसका आप उपयोग करेंगे, आपको सर्दी खांसी और हल्के सामान्यतः इन सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। नोट करने दवा एकोनाइट 200, स्पोंजिया 200 और हीपर सल्फ 200, इन तीनों दवाओं को सामान्य भाग में मिला लेंगे और मिलाने के बाद से आधे घंटे तक छोड़ देंगे। उसके छोड़ने के बाद से आपने रस्टाक्स लिया है तो रस्टाक्स से लगभग आधे घंटे का अंतर करेंगे और दिन में 4 बार 4 बूंद जीभ पे लेंगे। आप इसका पूरा ध्यान रखें कि यह दवा लेने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद कपूर से बनी हुई चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी भी आयल में कपूर मिलाया हो तो नाकों में नहीं लगाएंगे, अपने सीने पे नहीं लगाएंगे, अपने सिर पे नहीं रखेंगे, इसका आप पूरा पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ परहेज करना है, आप हमेशा उबला हुआ पानी पिए और आप जितना हो सके गर्म चीज़ का सेवन करें, जैसे गर्म दूध पिए। आपको यह लगता होगा कि गर्म दूध पीने से कफ जमेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गर्म दूध के ऊपर का छाली हटा के रख दें, उसमें हल्का सा हल्दी और गुड़ डाल के रात के समय में उसको पिए, गर्म ही रहेगा, आपको विशेष लाभ देगा। आपको अगर सर्दी खांसी हुआ है तो आप इसका पूरा ध्यान रखें कि अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को न हो, इसके लिए आप हमेशा किसी अलग कमरे में रहें, अपने तौलिया रुमाल और आपके कपड़े जो भी हैं वह गर्म पानी में सर्फ से धुलवा के उसे सुखाएं। खाने में आप चावल का उपयोग नहीं करेंगे, दाल रोटी और सब्जी लें, इसका पूरा पूरा मात्रा लें। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर भी हो जाएंगे। आपको अगर भोजन करने की इच्छा नहीं है तभी भी थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आपको खाने से आपके शरीर में पूरा शक्ति मिलेगा, आपका शरीर पूरा बलवान होगा और आपको आपके शरीर में होने वाले रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, यानी आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप इसका पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि यह कोल्ड और कफ की सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन आपके मित्र के पास भी हो, आपका मित्र भी निरोगी हो। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप हमें संपर्क
कर सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।